ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम देखें आप, ये थोड़ी सी चार दीवारी करके इन्होंने ये बनाया हुआ है। और इनके घर कंडीशन देखें आप, इसे देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई हूँ। ये देखें यहाँ, इस पे आप रोटी बना लेती है? हाँ, ये देखें आप जरा सालन देखें, अल्लाह अकबर। ये कमरा है जहाँ पे ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये चारपाई, ये बिस्तर और ये चंद सामान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमीम बीबी। शमीम बीबी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। ये आपके बच्चे हैं? जी हाँ। गुड़िया कैसी हो? क्यों गर्मी में रुके हुए हो? उधर चले जाओ बेटा, उधर ले जाओ, गर्मी है। सारा दिन गर्मी में बैठते हैं। सारा दिन गर्मी में बैठते हैं। लाइट नहीं है ना? अच्छा, लाइट नहीं है यहाँ पे। क्या बनाया है आज? आलू प्याज। आलू और प्याज बनाए हैं। ये देखें, ये इन्होंने एक पाव घी लिया हुआ है, ये टमाटर और प्याज। और ये है इनका किचन। और ये तवे की कंडीशन देखें आप, इसे देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई हूँ। ये देखें यहाँ, इस पे आप रोटी बना लेती है? सुबह का नाश्ता बना लेते हैं। सुबह का नाश्ता बना लेते हैं। तो प्यारी बहन, क्या वजह है, आपने तवा क्यों नहीं लिया? पैसे नहीं थे। हाय अल्लाह, पैसे नहीं थे इस वजह से तवा नहीं लिया। देखे ना बेचारी की कंडीशन, कपड़ों की क्या हालत हुई पड़ी है। मियाँ क्या करते हैं आपके? मियाँ मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं जी। आउंदा गोड़ा टूटा है वाला, हाली काम ते क्या नहीं है। अच्छा, गोड़ा टूट गया उसका, इस वजह से काम पे नहीं जाता, ऐसे ही है? अच्छा, 20 रोटियाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? यहाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 7। माशाल्लाह। और आठवां? नहीं, सातवां। सातवां आने वाला है, ऐसे ही है जी? अच्छा, इसके अलावा और क्या करती हैं? सिलाई मशीन। सिलाई करती हैं जी? वो है नहीं है। अच्छा, मजबूरी इस बात की है। सिलाई मशीन नहीं है? नहीं। वैसे आप कर लेते हो? जी हाँ। पक्की बात है? जी हाँ, मर्दाना भी जनाना भी सीखते हैं। कारीगर हैं? हाँ। चले इंशाल्लाह ताला, मशीन तो आपकी समझ लें कि आ गई, कल इंशाल्लाह आपको मशीन में ला दूंगी ताकि कुछ बेहतरी आ सके। इस बहन के घर के हालात मैंने देखे हैं। ये इनके बच्चे हैं, ये देखें, छोटे छोटे से इनके बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और 7वां बच्चा इनका जो है। 5 बेटियां 2 बेटे। अच्छा, अभी मशीन अभी पता चल गया बेटा है कि बेटी है? बेटी है, कल गए से दवाई घेरना है। अच्छा, दवाई कैंसर की मशीन लवाए से 300 रुपया फीस गी देने पर्चा लेकर इतने दवाई दे पैसे कहना है। हाँ, वाल ऐसे वहाँ के खून 2% खड़े थे। अच्छा, खून की कमी है। तो प्यारी बहन, आपके छोटे छोटे बच्चे थे, आप थोड़ा सा वक्फा करती ना? बस वाल बाजी है, भूले के थी गए। हाँ, बेशक राज़ कल्ला है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, बच्चे पैदा करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये है कि जब तक बच्चा आपका 3 या 4 साल का नहीं होता ना, तब तक आप वक्फा किया करें। बस आपको तो पता है आपके हालात का। तो बताती माँ, छोटे छोटे हाथ से माँ फोत थी गई है। छोटे छोटे थे, माँ फोत हो गई है। ये मेरी बेटी डेडी हाथ से दे अम्मी फोत थी। अच्छा, यानी कि जहेज पापा था। छोनी छोनी छोनी, कांटा लग जाएगा, नीचे कांटे पड़े हैं, ये देखो लग जाएगा जी। किधर जा रहे हो? आगे आगे। गुड़िया लानी, क्या नाम है? क्या नाम है इसका? मरियम बीबी। मरियम बीबी। अच्छा, 7-6 बच्चे, 7 आप और 8वां आपका मियाँ जी? 9। 9 अफराद हैं जी? ये 9 अफराद के लिए रोटियां बन रही हैं, ऐसे ही है जी? सालन इन्होंने बनाया है। हाँ, इतने से सालन से आप खा लेंगी? हाँ। ये देखें आप जरा सालन देखें, अल्लाह अकबर, 20 रोटियां और ये सालन है जो इन्होंने बनाया है। ये देखें ना, इसमें घी है, कुछ भी नहीं है इसमें, जरा सा घी डाल के इन्होंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज डाले। आप तो मुझे कह रही थी आलू भी डाले हैं। अल्लाह तो माफ कर दे, अल्लाह पाक सबको खुला रिज्क दे, किसी पे ऐसा वक्त ना आए। ये देखें, इतने से सालन के साथ ये किस तरह रोटी खाएगी? फराद इस 1 चम्मच भी नहीं है ये सालन का ना, 1 चम्मच भी सालन का नहीं है, ये इतना सा सालन है जिसके साथ सबने रोटी खानी है। कब से हालात ऐसे हैं? 4-5 साल थे गए। 4-5 साल हो गए। अच्छा, अगर आपको मैं सिलाई मशीन दे के जाऊँ और आप कपड़े सिलाई किया करोगे तो क्या लगता है फिर सालन तो बनेगा ना कम से कम? जी, बच्चों का खर्चा चलेगा। बच्चों का खर्चा चलेगा ना।
जी स्कूल जाते हो त्रीजा जाड़ा रोंदे खणन भई अम्मी साकु टीचर मरेंदी है वर्दिया कानी हां बुक्का कानी मोल लेने बुक्का वाली वास्ते चौथा जाड़ा कानी भी जल्दी खड़े। अच्छा किस किस की बुकें लेनी है और किस किस की वर्दी लेनी है वो आप रोटियां बना लो मुझे बता दो तो कल मैं इंशाल्लाह फिर ना ले आऊंगी। ठीक है। पांच बच्चे जाते हैं स्कूल। पांच बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बेटा दो बेटे। हाँ दो बेटियां। दो बेटियां। अच्छा ये तो चार हो गए ना। चार ते चौथी ये भी जाती है। जी वाह चले इनकी वर्दियां ले आऊंगी आप खुद सिलाई कर लीजिएगा। आग खत्म हो गई अब रोटी बन नहीं रही। बस पक जाएगी। हाँ। बन जाएगी अभी बिना। ये को खीर पिलानी सोनिया इंदर रोवण दी आवाज बहू आंदी खड़ी है ये को दवा पानी पिला आई को क्या करू बाजी लकड़ी है क्या ना ये गुवे उन्हां दे घर फोसा चाय से थाप दे वाल गुजारा करें। हां लकड़ियां भी तो नहीं है ना इसके साथ आग जलाई है ये गोबर की पाथियां बनाते हैं इसके साथ अपले भी कहते हैं इसको एक बहन ने कमेंट्स किया था अपले कहते हैं तो ये जो है इसके साथ आग जलाई है जिसकी वजह से रोटियां भी बन नहीं रही ना। जी लकड़ियां भी वो मिलती है ना पैसों से मिलती है ऐसी है ना। जी 1200 1200 रुपये कम हो जी। मैं कहती हूँ जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह पाक ने जिनको बेहिसाब रिज्क दिया हुआ है और जिनके दस्तरखान पे शाम को देखो तो सात सात आठ आठ खाने होते हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। बच्चे कह रहे होते हैं हमने ये नहीं खाना हमने ये खाना है और इनको देखें आप कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये लें अल्लाह पाक इनमें बरकत डाले। ये 20,000 रुपये हैं। इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगी कि आपको हर हाल में सिलाई मशीन बच्चों के यूनिफॉर्म और बच्चों की किताबें दे के जाऊँ। ठीक है कल आप घर पे होंगी। और ये कमरा है जिसमें ये रहती हैं ये देखें आप ऐसे छोटी सी चारदीवारी करके ऊपर जो है इन्होंने बांस वगैरह डाल के बनाई हुई है। आप अंदर बैठे हो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आपका भी तो यूनिफॉर्म लेना है ना। कौन सी क्लास में हो। अंदर वे कौन सी क्लास में हो आप। अंदर है शानी। है छुप गए हो हमें देख के। हम कोई कतरे पिलाने वाले हैं। ये कमरा है जहाँ पे ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये चारपाई ये बिस्तर और ये चंद सामान इनका खाने पीने का है। अल्लाह पाक आसानी करे इस फैमिली के ऊपर। आपका जूता भी नहीं है। अच्छा स्कूल जाने वाला जूता चाहिए। कौन सा नंबर है कौन सा नंबर है जूते का आपका। दो नंबर है। अच्छा चलो बाहर आ जाओ फिर कल लेके आऊंगी जूता। बूट चाहिए या जूता चाहिए। बूट पहन के जाते हो स्कूल के जूता। जूता पहन के जाते हो। ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम देखें आप ये थोड़ी सी चारदीवारी करके इन्होंने ये बनाया हुआ है और इनके घर में पानी का भी इंतज़ाम नहीं है तो यहाँ पे नल का भी लगवाना है इंशाल्लाह ताला। और इनके वॉशरूम का भी कुछ करते हैं। इनका वॉशरूम इनका कमरा नलका सब कुछ ही इनको चाहिए। सब चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ तक के बच्चों के पास जूते भी नहीं हैं यूनिफॉर्म नहीं है बुकें नहीं हैं पढ़ने के लिए। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके सारे मसले हल कर सकें।
थे, उसकी यूनिफॉर्म आ गए, उसके जूते भी हमें सिलाई मशीन भी दिए, उससे मैं हम उसका खर्चा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। दिल लगा के सिलाई कीजिएगा अच्छे से सफाई के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेगा। बच्चों आप खुश हो? ये नहीं है। हाँ ये है। हाँ खुश हो आप? इधर आओ मेरे पास आओ, आंटी के पास जाओ। आप खुश हो? जी। अभी स्कूल जाया करोगे? जी। जूता पूरा आया आपको? मम्मा यूनिफॉर्म भी सिलाई कर देगी, ठीक है? अच्छे से पढ़ना और दुआ करना, जिनकी तरफ से आपको किताबें, बस्ते, जूते, अल्लाह पाक उसे खुश रखे, ठीक है। या उन बहन भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चलते फिरते इस तरह की जो हमारी मुस्तहिक और मुस्तहिक बच्चे हैं उनके काम आते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ इन छोटे छोटे बच्चों के काम आए हैं। अब ये स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जूता पकड़ के ठहरी हुई कैसे अब ये स्कूल जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इनके काम आई हूँ। अपने आस पास देखें, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी लाजमी मदद करें, उसे स्कूल बैग, सॉरी उसे जूते, बैग और यूनिफॉर्म लेके दिया करें, किताबें लेके दिया करें, ताकि ये बच्चे हमारे तलीम हासिल कर सकें, क्योंकि तलीम पर इनका भी हक है। और ये हमारी बहुत ही मुस्तहिक और गरीब बहन थी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ इनका काम, इनके काम आई हूँ। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें अल्लाह के हवाले। साढ़े बहुत ही प्यारे वीर जी ने रजिंदर सिंह, उन्होंने तालुक कैनेडा तो आ, अल्लाह पाक उन्होंने दिता हुआ कबूल करे, उन्होंने अच्छी सेहत लंबी जिंदगी देवे, हज़ारों खुशियां नसीब करे और अल्लाह पाक उन्होंने ढेर सारा रिज़्क देवे, ताकि इसी तरह जड़ियां साड़ियां हकदार भैणा ने उन्होंने काम आ सकन। जजाक अल्लाह वीर जी, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते वसते रहो। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी। We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, all over the world. Time and day at your own choice. Highly qualified male and female teachers. Affordable monthly fee. We are teaching 24 hours. Audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course. No age limitations. Basic Qaida. Memorization of Quran. Holy Quran. With rules, tajweed, translation and tafsir, namaz, kalimats, dua, 5-day free trial classes. WhatsApp number 92341-1496-126, 92305-699-2192. Skype number 92341-1496-126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareb Online Quran Academy।